जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड के आयरा गांव के वीर सपूत सीआरपीएफ के जवान लवकुश शर्मा जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से लोहा लेते लेते वीरगति को प्राप्त कर गए। आज उनका पार्थिव शरीर जहानाबाद पहुंचा और उनके शव यात्रा में हजारों की संख्या में जनसैलाब NH 83 सड़क मार्ग पटना गया सड़क मार्ग पर देखने को मिला। उनके शव यात्रा में लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय लवकुश शर्मा अमर रहे के नारा लगाया। इस शव यात्रा में जहानाबाद जिले के डीएम नवीन कुमार और एसपी मनीष कुमार ने अगवानी किया और जिला प्रशासन का अमला उनके शव यात्रा में लगे रहे वीर सपूत के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में सड़क पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। सभी की आंखें नम थी और आतंकवादियों को खात्मा करने की आवाज देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे। जहानाबाद से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। देश के जम्मू कश्मीर के बालाबोला सेक्टर में जहानाबाद के एक वीर सपूत जो रतनी फरीदपुर प्रखंड के आयरा गांव का रहने वाले थे लवकुश शर्मा, उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपनी वीर गति को प्राप्त कर गए। लेकिन जहानाबाद की जनता उन्हें सलाम करती है और उनके पार्थिव शरीर को दर्शन करने के लिए यहां पर हजारों की संख्या में लोग जनसैलाब के रूप में उमड़े हैं और उन लोगों ने मांग किया है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आतंकवादियों को खात्मा कर हमारे देश में अमन चैन स्थापित करने में सक्षम हो और देश की जनता उन्हें हर हाल में साथ देने को तैयार है। जहानाबाद से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। क्या आप चाहते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? वो लड़का है, वो लड़की है, उनको कब, अभी कौन है, हमारा तो कोई है नहीं। वो बड़ा भाई तो पहले इस पार कर गए, एक महीना पार ले, अभी एक लड़का सहारा था वो भी चला गया। हम तो पूरा टूट गए हैं, अभी से अभी बोलने के मूड में भी नहीं है। हम क्या करें, बच्चा भी है अभी। किन का बच्चा भी? एक लड़का है ना 7 साल का, एक लड़की है 3 साल की।